हेलो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू रिमूव पीएसपी एक्सटेंशन फ्रॉम यूआरएल यूजिंग पीएसपी एचटीटीएसएस एप्स। ये फाइल हम क्रिएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। किसी ये हमारी पिछली ये हमारी यूट्यूब चैनल है, हमने बना दिया है एक्टिव मेनू और ये कैसे एचटीएमएल को पीएसपी में एडिट फुटर से क्रिएट करते हो कैसे, सब कुछ एक वीडियो आप देख लेना। तीनों तीन वीडियो वो हमने बना दी है पिछली, देख सकते हो हमारे चैनल पे ऑलरेडी लगी हुई है तीनों वीडियो, देख लेना। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ अपने जैम सर्वर, मैंने जैम सर्वर स्टार्ट कर दिया, देख सकते हो ये मेरा जैम सर्वर, इनके इनसाइड ये मेरा एस टी डॉक्स है, इनसे इनसाइड मेरा ये प्रोजेक्ट, अपना आपका भी प्रोजेक्ट होगा ये, देख सकते हो पी एस पी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं डालता हूँ लोकल होस्ट, देख सकते हो ये मेरा पी एस पी का प्रोजेक्ट है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देख सकते हो। इस पर मैं क्लिक करूँगा, देख सकते हो ये हम आज टुडे डिस्कस करने वाले पी एस पी एक्सटेंशन को कैसे हटाए कोर पी एस पी में, देख सकते हो पोर्टफोलियो में भी है। पिछली वीडियो में हमने सब कुछ देखा था कैसे मेनू इनएक्टिव एक्टिव करते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया है कैसे कोर पी एस पी एचटीएमएल को पी एस पी में कन्वर्ट करते हैं, सब कुछ मैंने दिखाया है। ये तीन वीडियो में आप देख लेना, एक्टिव मेनू कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये मेनू डायनेमिक कैसे हेडर फुटर मैंने अलग किया है, साइड बार एचटीएमएल को कैसे पी एस पी में कन्वर्ट है, ये तीनों तीन वीडियो मैंने इस वेबसाइट के रिलेटेड मैंने बनाया, देख लेना। आज हम देखेंगे पी एस पी कैसे रिमूव करते हैं। किसी भी वेबसाइट में जाएंगे तो आप पी एस पी नहीं दिखेगा आपको, वो रिमूव करने की बात कर रहे हो इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में मेरा ये साइड बार, आप देख सकते हो साइड बार, मैंने साइड बार अलग से क्रिएट किया, देख सकते हो साइड बार, मैं छोटा कर देता हूँ, देख सकते हो ये होम है, अबाउट है, पोर्टफोलियो है और ब्लॉग, और देख सकते हो कॉन्टेक्ट अस है, देख सकते हो ये मोबाइल का मेनू, मोबाइल मोबाइल की डिस्प्ले करते हैं, मोबाइल की मैंने डिस्प्ले की, मोबाइल का अलग से मेनू क्रिएट किया हुआ, देख सकते हो मोबाइल का मेनू है, इसमें भी करेंगे, देख सकते हो ये मोबाइल का मेनू है, ये मोबाइल का होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टेक्ट। आज हम इस पी एस पी रिमूव करने की बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ इधर, ये मेरा प्रोजेक्ट है, आपके अपने प्रोजेक्ट में चले जाना, ये नाम की हम फाइल क्रिएट करेंगे, ये नाम की मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ, ये नाम की हम नई फाइल क्रिएट इधर करने वाले हैं, देख सकते हो मैंने इधर नई फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, मैंने फाइल क्रिएट कर दी है, देख सकते हो मैंने फाइल नई क्रिएट कर दी है। उसके इनसाइड में इसको ओपन करूँगा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में, मैंने ओपन कर लिया, देख सकते हो मैं इधर कोडिंग टाइप करता हूँ, आप देखते जाइए, देखते जाइए, मैं इधर कोडिंग टाइप करने वाला हूँ, जी डब्ल्यू राइट जी, मैं दिखा देता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप करके, आपको टाइप कर लेना है वीडियो स्टॉप करके सब कुछ, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा, देख सकते हो पी एस पी, लास्ट लाइन है हमारी, देख सकते हो
ये मैंने फाइल सेव कर दिए, देख सकते हो मैंने फाइल सेव कर दिए। मैंने प्रोजेक्ट में जाके एक नई फाइल क्रिएट की, मेरा प्रोजेक्ट है देख सकते हो, मेरा प्रोजेक्ट है, मैं होम पे चला जाता हूँ। अब मैं इसको रिमूव कैसे करेंगे वो नहीं मैं दिखाने वाला हूँ। मैं साइड बार मैंने ओपन कर लिया प्रोजेक्ट का, मैंने साइड बार वहाँ से मैं सारे का सारा पी एस पी जहाँ पर मैंने लिखा वो मैं रिमूव कर दूँगा। देख सकते हो मैंने रिमूव कर दिया पी एस पी, सबसे पहले इंडेक्स में, बाद में अबाउट में रिव्यू ने रिमूव कर दिया, देख सकते हो मैंने रिमूव कर दिया अबाउट में से भी मैंने रिमूव किया, पर्सनल पोस्ट खोलने में से मैं रिमूव कर दिया, देख सकते हो इसमें से कॉन्टेक्ट में भी मैंने रिमूव कर दिया है। और ये मैंने फाइल क्रिएट की थी उसमें भी मैंने साइड बार में से रिमूव कर दिया। अब मोबाइल का मैंने की बात करें, मोबाइल में से भी मैं रिमूव कर दूँगा, मैंने मोबाइल से भी मैंने रिमूव कर दिया है, देख सकते हो ये मैंने फाइल बनाई है अबाउट की पोर्टफोलियो डॉट पी एस पी, आप देख सकते हो उसे भी फाइल इधर है, अबाउट ब्लॉग पोस्ट है, सब कुछ मैंने रिमूव कर दिया। फाइल सब कुछ रिमूव करके मैंने फाइल शेयर कर दी है, अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा, आप देख सकते हैं मैंने रन किया। अब मैं इस पर अबाउट पे क्लिक करूँगा, देख सकते हो पी एस पी हट गया सभी में, देखो इंडेक्स में भी चला गया, सब में पी एस पी हट गया, किसी को पता भी नहीं चले गए पी एस पी में वेबसाइट बनी है कोई पी एस पी में, देख सकते हो। मोबाइल में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मोबाइल में से लगाते हैं, देख अबाउट में से लगाए, देख सकते हो मोबाइल में भी सही ऐसा सेम हो गया, देख सकते हो मोबाइल में से भी हो चुका है। अगर मैं एक और रिमूव कर देता हूँ, मैंने डिलीट रिमूव कर दिया और फाइल को शेयर कर दिया, अब देखता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो बग आ चुका है, देख सकते हो। अब मैं पी एस पी लिखूँगा तो ही कॉल होगा, देख सकते हो हाँ भाई, इसलिए आपको मैंने इसमें कोडिंग किया है पी एस पी हटाने का, आप देख सकते हो ये पी एस पी हटाने का मैंने कोडिंग इसमें किया है, इससे कैसे पी एस पी हटती है देख सकते हो। एक किसी को नहीं लगेगा कोर पी एस पी में वेबसाइट में लारावेल में बनी, ऐसा ही सबको दिखेगा। तो ये वीडियो 3 देखना मत बोलना, इसमें मैंने सब कुछ दिखाया, एस्टीमेट पी एस पी कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइड बार कैसे साइड बार रिमेन कैसे एक्टिव करते हैं, मैंने सब कुछ 3 वीडियो में दिखाया है, 3 वीडियो में आप देख लेना पहले, एक और आपको टाइप कर लेना है इतना सा, एक नई फाइल क्रिएट करनी है, देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।